आयुष्मान भारत योजना के तहत मिल रहे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने भी गरीब परिवार की बहनों की बहुत बड़ी मदद की है। माताओं बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अच्छे परिणाम आज देश अनुभव कर रहा है। बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सके, उनको स्कूल बीच में छोड़नी ना पड़े, इसके लिए स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय बनाए, सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था की गई। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए। साथियों, आज जनधन बैंक खाते में देश में महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े माध्यम बने हैं। कोरोना काल में सरकार अगर आप बहनों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाई है तो उसके पीछे जनधन अकाउंट की ताकत है। हमारे यहां संपत्ति के मामले में ज्यादातर नियंत्रण पुरुषों के पास ही रहता है। अगर खेत है तो पुरुष के नाम पर, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, घर है तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है तो पुरुष के नाम पर, स्कूटर है तो पुरुष के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ नहीं। और पति नहीं रहे तो बेटे के नाम पर चला जाए। हमने इस परिपाटी को खत्म करके मेरी माताओं बहनों को ताकत दी है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला घर हम सीधा सीधा महिलाओं के नाम पर देते हैं, महिला उसकी मालिक बन जाती है। हमारी सरकार ने देश की 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपने घर की मालकिन बनाया है। ये बहुत बड़ा काम है माताओं बहनों। मुद्रा योजना के तहत भी अभी तक देश भर में 19 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का ऋण छोटे छोटे व्यापार कारोबार के लिए दिया जा चुका है। ये जो पैसा है उसमें से लगभग 70% मेरी माताएं बहनें जो उद्यम करती हैं उन्होंने प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि सरकार के ऐसे प्रयासों के कारण आज घर के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। साथियों, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें समाज में भी उतना ही सशक्त बनाता है। हमारी सरकार ने बेटियों के लिए सारे जितने दरवाजे बंद थे ना, सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अब बेटियां सैनिक स्कूलों में भी दाखिल हो रही है, पुलिस कमांडो में जाकर के देश की सेवा कर रही है। इतना ही नहीं, सीमा पर भारत मां की बेटी भारत मां की रक्षा करने का काम फौज में जाकर के कर रही है। पिछले 8 वर्षों में देश भर की पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या 1 लाख से बढ़कर 2 गुनी यानी 2 लाख से भी अधिक हो चुकी है। केंद्रीय बलों में भी अलग अलग जो सुरक्षा बल है, आज हमारी 35,000 से अधिक बेटियां देश के दुश्मनों से, आतंकवादियों से टक्कर ले रही हैं। दोस्तों, आतंकवादियों को धूल चटा रही है। ये संख्या 8 साल पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो गई है। यानी परिवर्तन आ रहा है, हर क्षेत्र में आ रहा है। मुझे आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है।
सबका प्रयास से एक बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र बनाने में हम जरूर सफल होंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आकर के हमें आशीर्वाद दिए हैं, आपके लिए अधिक काम करने की आपने मुझे प्रेरणा दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।